हाँ, तो इसके बाद में हमने नमस्ते, मैं प्रदीप हजारवार, यूनिवर्सल इंग्लिश स्कूल, कक्षा 10वीं के लिए वार हमदर्द तीसरा पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। ये हमारा 5वां वीडियो है। इसके अंदर हम देखेंगे अब अंतिम में एक टैक्सी जो है, रिश्तेदार भी मिलने आते हैं तो एक टैक्सी है, और टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पर रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ। लेखक कह रहे, मुझे मैंने दिल में कहा जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, मुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती मुंह गड़ाए रोता रहा, छाती मुंह गड़ाए क्या करा, रोता रहा। अब रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई, माफ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दिए थे। क्या कहना आप। तो हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है जिसका नाम है लपकानंद। उसकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है, और मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ अब भी मिलेंगे, 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाया पहुँचे, आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यहाँ कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। कवि है वो, कहने लगे, कविता कौन सी है वो देखो, असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी साइड थी रंग। अब कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उसकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से उसे विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। लेखक कहते हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर मुझे दूसरी टांग भी तोड़नी है हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले, और ये बड़े बेदर्द होते हैं हमदर्दी जताने वाले। तो बच्चों, इस प्रकार ये पाठ हुआ वारे हमदर्द, घनश्याम जी अग्रवाल। अब इसके ऊपर कुछ कठिन शब्द है, जैसे कि फिक्र, चिंता, हमदर्दी, सहानुभूति, एहसान, कृतज्ञता, औंधा, उल्टा, टांग अड़ाना, ये मुहावरे है, बाधा डालना, काप उठना, भयभीत होना। तो इसके ऊपर का जो पेज नंबर 13 पे स्वाध्याय है बच्चों, और 14 पे भी है।